हनुमान जी का बचपन में सारथी थे, तो वो क्या करते थे, वो संत ऋषि मुनि जो होते थे वो यज्ञ तपस्या करते थे तो किसी चोटी घंस लेते थे, किसी के पत्थर मार देते थे। तो एक ऋषि को गुसेल थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद तेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है, तू तेरी ताकत पे घमंड करता है, तेरी ताकत खत्म है। अब जैसे ये बात पता लगी ऊपर देव लोग है कि गड़बड़ हो गई है, तो फिर वो सब लोग गए ऋषि मुनि के पास। ऋषि ने कहा भाई जो मुंह से बात निकल गई वो तो वापस आने से रही, श्राप तो लग गया, एक इसका मैं आपको प्रावधान दे देता हूं। क्या? तो ताकत तो भूल गए, ताकत तो गई, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कोई इससे बड़ा व्यक्ति इनको याद दिलाएगा ना तो ताकत याद आ जाएगी। जब लंका पे चढ़ाई करनी थी, पूरी बांदर सेना राम के साथ समुद्र किनारे बैठी थी, सबको समुद्र कूद के जाना था, समुद्र लांग के जाना था, तो सबसे वृद्ध बांदर जो थे राम के साथ जामवंत जी, उन्हें कहा हनुमान पवन पुत्र है, ये कूद सकता है। जैसे जाके हनुमान से कहा कि हनुमान आप पवन पुत्र हो, आप समुद्र एक छलांग में लांग सकते हो, तो मैं भी आपको ताकत याद दिलाने आया हूं कि आप भी अपना स्कोर 600 प्लस का पार कोई भी कर सकता है, जेई का स्कोर 300 में से 100 का कोई पार कर सकता है। आपसे प्रश्न कर रहा हूं, जवाब खुद के साथ, यहां बैठे हो जवाब मिलेगा। आपने पूरी साल सारी क्लासेस लिए टीचर्स के साथ, इसलिए आपने सारे माइनर दिए, इसलिए आपने रिव्यू टेस्ट दिए, इसलिए आपने मंडे का पेपर का डिस्कस करके मंगलवार को सॉल्यूशन किया है, इसलिए आपने शाम को असेंबली भी अटेंड किया, इसलिए आपने रात को कैंप अटेंड किया, इसलिए ट्वेल्थ के बच्चों ने मिड सेशन दिया है, इसलिए टारगेट ने बायो कैंप दिया है, इसलिए आपने रिव्यू टेस्ट दिए फिजिक्स के, इसलिए आपने रिव्यू टेस्ट फिर से दिए, इसलिए झक बड़ा के नंबर 600 आने पड़ेंगे, इसलिए नंबर आएंगे हमारे।